हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। संवाद लेखन में आज एक ऐसे तरीके से आपको संवाद लेखन करना सिखाया जाएगा जिसको एक बार देखने के बाद आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मेरा दावा है। बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे संवाद लेखन। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं संवाद लेखन कुछ उदाहरण के साथ। मैंने जैसे ही कहा कि कुछ उदाहरण के साथ, तो बच्चे अक्सर यही सोचने लग जाते हैं, मैम आएगी एक क्वेश्चन लिखेगी कि दो व्यक्तियों में इस बात पे चर्चा करो, ऐसे चर्चा करो, संवाद लेखन हो जाएगा। नहीं, मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊँगी। आप जानते हैं एग्ज़ाम की रूपरेखा हर साल बदलती है, तो इस बार तो ज़रूर बदलेगी। तो हम एक संवाद लेखन को कुछ इस तरीके से सीखेंगे कि जैसे भी आए हमने पूरे नंबर ही लाने हैं। संवाद लेखन को उदाहरण देखने से पहले हम सबसे पहले ये जान लें कि संवाद लेखन होता क्या है। कोई भी चीज़ सीखें तो उससे पहले ये जानकारी प्राप्त कर लें कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो है क्या, उसका यूज़ क्या है। तो संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। दो व्यक्तियों के किसी विषय पर आपस में बात करने को ही हम संवाद कहते हैं, और अगर हम इसी बातचीत को लिखित रूप दे दिए तो ये संवाद लेखन कहलाता है। अब आता है संवाद लेखन कैसे किया जाता है। तो संवाद लेखन किसी भी विषय पर प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है। इसमें दो व्यक्ति भी हो जाते हैं और दो से अधिक भी शामिल हो जाते हैं। अब हम संवाद लेखन करें तो किस चीज़ का ध्यान रखें। संवाद लेखन लिखते के लिए हमें कुछ तथ्यों का ध्यान रखना है कि संवाद लेखन में संबोधन का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हमें मित्र, सगे संबंधी, शत्रु से भी प्यार भरे संबोधन से बात आरंभ करनी चाहिए। आप सभी को ये बात टीचर बार बार बताती है कि कोई हमारा शत्रु क्यों ना हो, कोई हमारा मित्र क्या ना हो, हमारी वाणी एक ऐसी हमारे लिए कमान है जो किसी के मन में भी हमारे प्रति प्रेम भर देती है। हम जब भी बोलें मीठा बोलें। तो संवाद लेखन में भी इस तथ्य का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम किसी से भी बात करें, किसी भी तथ्य पे बात करें, लेकिन हमारे जो संबोधन है वो प्रेम से भरे होने चाहिए। और इसकी भाषा बड़ी ही सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली कि कोई सुने और उसे लगे हाँ रियल में ऐसा होता है। अगला, संवाद लेखन की भाषा बिल्कुल संक्षिप्त हो। अगला, संवाद विषय पर पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं कि संवाद तो हो रहा है बड़ों का और पात्र हैं दो बच्चे, या पात्र हैं बड़े और संवाद है किसी बच्चों के से संबंधित, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। और जब भी हम संवाद लेखन लिखें तो हम चिन्हों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। संवाद लेखन प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर, एक जना प्रश्न करेगा दूसरा उत्तर देगा, शैली में होता है। इसलिए प्रश्न जिस काल में किया जाए उसी काल में ही उत्तर देना चाहिए। और संवाद लेखन में स्वाभाविकता होनी चाहिए, यानी लगे कि रियल में ऐसा होता है। बनावटी बननी होना चाहिए कि कोई ज़बरदस्ती बुलवा रहा है और हम ये बोल रहे हैं लाइन्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रियल में स्वाभाविकता होनी चाहिए। अब एक मैंने उदाहरण दिया है, यहाँ पे संवाद लेखन है आपके देश में कोरोना काल के बढ़ते खतरे के विषय में दो मित्रों के बीच में संवाद को हमने 50 शब्दों में लिखना है। तो हमने बच्चों के नाम दिए अनुज और दूसरा बच्चा है सुरेश। अनुज सवाल करता है, सुरेश तुमने आज का अखबार पढ़ा कि किस तरह हमारे देश में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है? सुरेश, हाँ मित्र मैंने पढ़ा, आए दिन कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनुज, कोरोना ने तो सभी लोगों के दिलों में खौफ बैठा दिया है,
सुरेश, मैंने न्यूज़ चैनल पर देखा, अस्पतालों में मरीजों की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ एक बेड पे दो दो मरीजों को रखा जा रहा है। अनुज, ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। इस प्रकार मरीजों का इलाज कैसे संभव है? सुरेश, बिल्कुल सही कह रहे हो, सरकार को भी इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। अनुज, हाँ मित्र, जागरूकता और उचित समाधान ही हमारे देश को इस बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। सुरेश, सही कहते हो मित्र, हमें भी सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करके इस बीमारी से स्वयं बचने का प्रयास करना चाहिए। अनुज, सही कह रहे हो। इस तरह हम बहुत ही आसान भाषा में, सरल शब्दों में, बिना बनावटी संवाद लेखन लिखें। इससे संबंधित कुछ और गतिविधियाँ कि बच्चे और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे संवाद कर सकते हैं, हम अपने संवाद लेखन पार्ट 2 में कुछ उदाहरण बच्चों के द्वारा किए गए देखेंगे।